हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको आज पूरे डिटेल में बताऊंगा कि एक नए राइडर को बाइक चलाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एक कैसे एक नए राइडर आसान तरीके से बाइक चलाना सीख सकते हैं, तो पूरा डिटेल में इसी के ऊपर मैं बात करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो ज़रूर ही मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखिए। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इनमें मैं छोटी से छोटी चीज़ें बताऊंगा और आपको ध्यान से देखना है। ये नहीं कि अगर आपने एक वीडियो देख लिया तो आप बाइक चलाना सीख जाओगे, उसको अप्लाई भी करिए प्रैक्टिकली, वहाँ पे फिजिकली जाके चलाइए, एक बार नहीं 10 बार चलाइए जाके, और सारी चीज़ें देखिए क्या क्या इस वीडियो में बताया जा रहा है, वो सारी चीज़ें उस पर अप्लाई करिए, तभी आप चलाना सीख सकते हैं बाइक। या फिर अगर आपने एक वीडियो देख लिया और ऐसे मतलब छोड़ दिया, अगर आप बाद में चलाने जा रहे हैं, तो मतलब वीडियो एक ही बार सही से देखिए और वो सारी चीज़ें अप्लाई करिए, तो उस कंडीशन में आप सीख सकते हैं। तो अदरवाइज़ अगर आपने वीडियो देख के ही मतलब सोच लिया कि मतलब मैं चलाना सीख गया, मतलब तो ऐसा नहीं है, आप फिजिकली पूरा अप्लाई करिए उस तरीके को, तभी आप सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ कैसे क्या करना है उस पर। तो आप सबसे पहले अपनी बाइक को सेल्फ से स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपकी बाइक में सेल्फ नहीं है तो आप किक से स्टार्ट कर लीजिए। उसके पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले आप यहाँ पे क्लच नहीं दबाएंगे, नहीं तो अगर आप क्लच दबा के बाइक स्टार्ट करेंगे किक से तो स्टार्ट नहीं होगी। या फिर अगर आपकी बाइक गियर में है तब भी स्टार्ट नहीं होगी वो, क्योंकि पहले गियर आपको पूरा उतारना पड़ेगा। गियर उतारने के लिए अगर आपकी बाइक में सिंगल साइड वाला सिस्टम है तो उसमें एक गियर नीचे और बाकी सारे गियर ऊपर लगते हैं, और सेम वैसे ही उतरते भी हैं। तो अगर आपकी बाइक 4 गियर वाली है तो सारे मतलब प्लेटिना को छोड़ के बाकी सारी बाइकों में गियर पीछे से लगते हैं और आगे से उतरते हैं, और प्लेटिना में आगे से लगेंगे गियर और पीछे से उतरेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिए। और उसके बाद क्या करना है, आपको बाइक स्टार्ट करनी है। पहले यहाँ पे बाइक स्टार्ट हो गई और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गियर क्लच दबा के ही गियर डालना है। तो क्लच दबाएंगे दबा के और एक गियर आप पीछे डाल दीजिए अगर आपकी बाइक में वो 4 गियर वाली बाइक है। तो उसके बाद आपने जैसे मैंने गियर डाल दिया एक, तो उस फिर उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे यहाँ पे क्लच छोड़ना है, एकदम से ऐसे नहीं छोड़ देना है, नहीं तो गाड़ी ऐसे बंद हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एकदम से क्लच नहीं छोड़ना है आपको, धीरे धीरे क्लच छोड़ के और एक्सेलरेशन रेस को भी धीरे धीरे आप दें। तो उस कंडीशन में देखें कि आप रेस को भी प्रॉपर दें, मतलब ज़्यादा ऐसे रेस नहीं दे देना है, एकदम धीरे धीरे करना है, और धीरे धीरे आप यहाँ पे क्लच को छोड़िए। तो आपकी बाइक देखिए कि धीरे धीरे मतलब स्टार्ट हो जाएगी। और जितने भी नए राइडर हैं वो आगे का ब्रेक बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, पीछे का ही ब्रेक अप्लाई करें, और वो भी एकदम जल्दीबाजी में ब्रेक ना लगाएं, धीरे धीरे करके ब्रेक लगाएं, तो उस कंडीशन में सही रहेगा। अगर आप आगे से ब्रेक लगा देंगे एक ही बार में तो आप गिर भी सकते हैं, आपके साथ कोई भी हादसा भी हो सकता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप और स्पीड में ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गियर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दूसरे गियर में कर देता हूँ, क्लच दबा के ही आपको गियर चेंज करना है और कम करना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरे गियर में कर दिया और थोड़े दूर ले जाके और मैं यहाँ पे तीसरे गियर में कर देता हूँ। तो सारे जितने भी गियर आप डालें वो मतलब क्लच दबा के ही अप्लाई होंगे और क्लच दबा के ही उतरेंगे सारे गियर। अब जैसे ये मोड़, जैसे यहाँ पे ये देखिए आप मोड़ आ गया, तो यहाँ पे आप अपने गियर को ऐसे उतार लेंगे, क्लच दबा के ही उतारें, तो यहाँ पे आप सही से राइडिंग वगैरह कर सकते हैं उस हिसाब से। और उसके बाद में अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हैं तो थोड़े दूर पे ले जाके आप क्लच को फिर यहाँ पे एक क्लच आप डाल देंगे, तो और उसके बाद यहाँ पे जैसे मेरी बाइक तीसरे गियर में हो गई, उसके बाद मैं और गियर बढ़ाना चाहता हूँ और स्पीड भी, तो उसके बाद मैं फिर क्या करूँगा, यहाँ पे एक और यहाँ पे गियर मैंने डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे रेस भी बढ़ा सकते हैं। अब जैसे कोई आगे ब्रेकर वगैरह आता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ब्रेकर आ गया तो उस कंडीशन में ब्रेक लगाएंगे हल्का और दो क्लच दबा के यहाँ पे आप गियर को कम कर सकते हैं। अगर ब्रेकर वगैरह आता है या फिर कोई भी मोड़ आता है या फिर गड्ढा वगैरह आता है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे क्लच को यहाँ पे क्लच दबा के और गियर आप उतार सकते हैं। और जैसे कि अगर आपको मतलब ज़्यादा, अभी तो आपको प्रॉपर ही क्या ध्यान में रखना है, आपको यहाँ पे क्लच दबाइए और गियर डालिए, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप किक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लच मत दबाइए पहले ही, और अगर आपकी बाइक गियर में है तो आप गियर में सबसे पहले उतार लीजिए, उसके बाद ही किक से स्टार्ट हो सकती है।
और किक से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आप क्लच मत दबाइए, उसके बाद ही किक से स्टार्ट होगी। अगर आप सेल्फ से स्टार्ट करना चाहेंगे तो सेल्फ, अगर बाइक गियर में नहीं है तो आप सेल्फ से स्टार्ट हो जाएगी वो तुरंत। अगर आपकी बाइक यहाँ पे, अगर आपकी बाइक अगर गियर में है तो उसके उस कंडीशन में आप क्लच दबाइए और फिर स्टार्ट करिए, उस कंडीशन में ये स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। और अगर आप जैसे कोई भी, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो अगर आप के पास जैसे गड्ढा वगैरह आ रहा है या फिर ब्रेकर या फिर मोड़ वगैरह आ रहा है तो उस कंडीशन में आप गियर को उतार कम कर लीजिए, क्लच दबा के ही गियर कम होगा और आपका गियर क्लच दबा के ही बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें अप्लाई करिए। अगर आप नए राइडर हैं, सही राइडिंग वगैरह करना अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करिए प्रॉपरली, तो उस कंडीशन में आप ये बाइक चलाना आसानी से सीख सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादा मतलब मुश्किल काम नहीं है, ये देखने में ज़्यादा टफ लग रहा है। जो जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं वो प्रॉपर अप्लाई करिए तो आप ज़रूर एक बाइक चलाना सीख जाएंगे। जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आप इस पर अप्लाई करिए तो आप जल्द ही बाइक चलाना आसानी से सीख जाएंगे। और कोशिश करिए ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और ये सारी चीज़ें अप्लाई करिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा और आपको कुछ ना कुछ तो समझ में ज़रूर ही आया होगा। वीडियो को एक बार नहीं, बार बार देखिए और वो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली अप्लाई करिए तो कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी मेरी वीडियोस को देख के अगर बाइक चलाना अगर कोई भी सीखता है या फिर जा रहा है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यही था फ्रेंड आज की इस वीडियो में। कैसी लगी वीडियो? थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ टेक्निकल से रिलेटेड वो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।